अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम एक शादी दफ्तर बनाते हैं और लड़के लड़कियों के ना शादी करवाते हैं, फ्री सर्विस। शाम को सब नौकरों की मीटिंग बुलवाओ, फिर बात करते हैं। पहले तो मेरी शादी करवाएं जी, मेरी तो उम्र ही निकलती जा रही है। बाहर मैं निकलता हूँ सौदा लेने के लिए तो अच्छे भले सियाने बुजुर्ग मुझे कह रहे होते, चाचा जी की हाल है। मैडम ये अपनी डेथ के सिलसिले में आए हैं। भाई क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये अपने शादी के सिलसिले में आए हैं। मुझे अपने लिए एक अमीर बुड्ढे का रिश्ता चाहिए। मैडम इनकी शादी जल्दी करवा दें, फरिश्ता बाबा जी को ढूंढ रहा है। हाँ। जब हमारी आँख खुली तो देखा ना हमारी टोपी, ना हमारी अचकन थी, ना हमारी छड़ी, यहाँ तक के वाजान पर के घर का सारा सामान लेकर भाग गए। ये क्या था? ये जरा मालकों पे भड़ास निकाल रहा था। निकल गई है? हाँ जी। अब इसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से कटेंगे। ओहो यार, नादा भी मेरी बड़ी है। वो तुम्हें चुल्लू की तलाश है ना? वो क्यों? डूबने के लिए और चुल्लू किस काम आता है? ओए तमीज से, नौकर पेशा आदमी। हाँ नौकर पेशा, हम तो नौकर है ना, अपने कब जहाज चलते हैं जी। ओ भाईजान, हम तो सिर्फ नौकर हैं, आप तो चाकर भी बन गए हो। मुझे ना बड़ा ही दुख होता जब बड़ी बेगम साहबा और छोटी बेगम साहबा ना इसकी बेइज्जती करती। कसम से बड़ी दुखी हो जाती हूँ मैं तो। बेवकूफ, वो बेइज्जती नहीं है, हाँ। वो प्यार है, प्यार मोहब्बत। आए हाँ। प्यार मोहब्बत, वो ऐसे प्यार उतारती हैं पांव से, दे प्यार पे प्यार, दे प्यार पे प्यार, इतना प्यार मारती है इनको कि ये मोहब्बत दिखाने के काबिल नहीं रहते। ये इसको प्यार नहीं कहते, हाँ। ये इश्क है, इश्क। हाँ। यार किड्डा ठीठ जिहा बंदा, बेइज्जती भी महसूस नहीं करता यार। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या? कि तुम मुझे इतना प्यार, ठा प्यार, ठा प्यार, और हमारी मोहब्बत जमाना देखे, कहीं एक बार मान जाओ मेरी बात। माफी दे दो मुझे। मेरा ख्याल है ये दुनिया ही छोड़ना चाहती है लड़की। शर्फू बात सुनो। हाँ बोलो। तमीज से बात करो, बोल लें। अब मैं क्या बोलूं? मैं तुम्हें तमीज सिखा रही हूं कि बोलें। अच्छा जी बोलें। आज लंच में क्या बना है? भिंडी जी। तुम्हें पता है मुझे भिंडी नहीं पसंद, जाओ कुछ और लेकर आओ और अपनी निगरानी में बनाओ। अब ये कहां से मिलेगा? क्या कहां से मिलेगा? कुछ और, कुछ और, कुछ और बनवाओ। पहले बाहर देखूं कि गेट पे कौन है, फिर बनाता हूं। देखो पक। हेलो भाईजान। हेलो। ये भाई हटा के ना सिर्फ जान बोलो। क्या मतलब? हमें तो बस जी अरमान ही है। ओ हेलो मिस्टर अरमान, क्या ये साइमा का घर है? आपका भी हो सकता है। ओ शट अप प्लीज, क्या ये साइमा वजाहत का घर है? जी उन्हीं का है, हम तो बस एवें ही इधर बस। जाओ उसको बोलो कि अतीक आई है। बताने की क्या जरूरत है जी, आप आए खुद ही आ जाए, आ जाए आ जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चलें। अतीका, प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कब आई? अरे बस अभी आई, और तुम्हें पता है एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारी तरफ आई। अच्छा, गेट से मैं लेके आया हूँ अभी अभी। नहीं तुम्हारा नौकर बहुत वियर्ड है।
शर्फू जी, तुम जाओ कुछ ठंडा ले आओ। जी अच्छा जी। हम इधर बैठते हैं, आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, ना कोई फोन ना कोई अत्ता और पता, ये एकदम आ गई। सरप्राइज सरप्राइज देना था ना, यू नो आई लव सरप्राइजेस। चलो छोड़ो, और बताओ। और बस ठीक, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? फरीदा, तुम्हारी छोटी बेगम साहिबा की कोई सहेली आई है, चाय पानी का बंदोबस्त करो। क्या हुआ शर्फू? शर्फू साहब क्या हो गया आपको? ना तो आप ये कह सकते हो कि 5 करोड़ का मुझे कारोबार में नुकसान हो गया, ना ही आप ये कह सकते हो कि 14 प्रो मेरा गुम हो गया, ना ही ये कह सकते हो कि मेरी मर्सिडीज गाड़ी दीवार में जा लगी। तो फिर परेशानी किस बात की है? तुम लोग ठीक कहते हो। वो तो हम कहते ही रहते हैं, असल मसला बताएं क्या है। बस यार, मैं तो चाकर ही बन के रह गया हूं। किस्मत का लिखा ना कोई नहीं मिटा सकता। अब छोड़ो और मुस्कुराओ आप। बस फरीदा, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। हेलो ओ भाई, हेलो, मेरे सामान नु हाथ ना मार। और तू, तुझे पता नहीं है कि उनकी शादी हो गई है, उनका घर बसा हुआ है, किसी का घर खराब नहीं करते। जो खाली पड़ा घर वो आबाद कर। ओ, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ तसल्ली दे रही थी। ये अच्छी तसल्ली है। मैं अब ये नहीं हरकत करनी है। अच्छा, नहीं तो मैंने बीबी जी को बता देना। बीबी जी, जा 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 बता दे, चल बता दे जाके। ओ, असल में मैं नहीं ना चाहता कि आपके घर में कोई दरार आए। आप लोगों का ऐसे ही प्यार और मोहब्बत रहे। चित्रो चित्री। नहीं, काम करो अपना। अच्छा जी, तुम चाय बनाओ। याद है, याद है कितना एंजॉय किया था हमने, हद से ज्यादा। क्या दिन थे ना। फ्रेश जूस आप भी लेना। थैंक यू। वेलकम। हाँ शर्फू जी जी, ये मेरी फ्रेंड है अतीका। जी जी। ये कुछ दिन यहीं रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इनका ख्याल रखना है। आप फिक्र ही ना करें, मैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा। ना, मेरे होते हुए आप ये कैसे करेंगी? मैं हूँ ना आपकी खिदमत के लिए। मैं छोड़ के आता हूँ इन्हें। लाइए ये, मैं आपके कमरे में आपको दे दूंगा। चलो फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। आ जाए, आप आए मेरे साथ, ये मेरे साथ साथ आ जाए। आइए जी, आइए आइए। ये प्लीज। जी जी। ये रहा जी आपका कमरा, ये देखें। प्यारा है। थैंक यू। आइए मैं आपको बाथरूम दिखाऊं। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं देख लूं। वो आपका बाथरूम है और ये आपका कमरा है, और मेरी जब भी आपको ज़रूरत हो बस आपने आवाज़ देनी है मुझे। नहीं नहीं शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बस मैं जाऊँ। जी अच्छा जी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि पानी रख दूँ? पानी नहीं है कमरे में। नहीं, अभी मैंने जूस है मेरे पास। अच्छा ठीक है। वो कोई अगर कॉफ़ी का मूड हो तो थोड़ी सी ले आऊँ? अरे नहीं चाहिए अभी मुझे कुछ भी। चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। मैं वो कैपेचिनो बड़ी अच्छी बनाता हूँ। थैंक यू। अभी नहीं चाहिए? नहीं। वो असल में अगर आप कभी बोर हो तो मुझे बुला लीजिए। मुझे पता है आप काफी बड़ी फिल्म है, काफी एंटरटेन कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, जी प्लीज। ओके। क्या चीज है ये? किधर फंस गई? बजाते रहो। आए वे। दे दे। हाँ? मुझे ना शर्फू पे बड़ा ही तरस आता है। अब तुझे बड़ा तरस आने लग गया है? बहुत हमदर्द बनती है उसकी। चल उठ जा, बातें करती है। पूरी बात तो सुन ले, क्या आता क्यों है? क्यों तरस आता है जी? देखना, ये जो उसका लालच है। हाँ। ये उसकी ना चलती फिरती बुरी तरीन मिसाल हो गया। वाकई सही बात है। देखो ना, बेचारे ने लालच में शादी की थी, लेकिन अब
वो दोनों माँ बेटी उसको क्या नचा रही है। हाँ, कहता तो तू ठीक है, देखना उसको ना ऐशो आराम की ना आदत पड़ गई है, भाग भी नहीं सकता बेचारा। कौन सी ऐशो आराम? बड़ी बात है भाई, बहुत ऐशो आराम है। सवेरे सवेरे उठ के भांडे धोने, पर्दे साफ करने, फर्श साफ करना, ये ऐश है? ले, ऐश ये नहीं है, गड्डियों में घूमता है, है? खास चार होटलों में खाने खाता है, और क्या चाहिए उसको? फाइव स्टार होटलों में, और जब वो खाना खाती है ना, हाँ, वो दोनों माँ बेटी टेबल पे अकेली बैठती हैं। हैं? हाँ, ये साइड पे जैसे नौकर बैठे होते हैं ना, ये वैसे ही बैठा होता है। और उसके बाद जब ये निकलने लगती हैं तो उसको पैसे देती है कि ये वेटर को टिप दे आओ, उसमें से बेचारा थोड़े से पैसे तोड़ लेता है। हाय, मैं मार गई। लेकिन तुझे नहीं लगता इसको कुछ करना चाहिए अपनी इज्जत की बहाली के लिए? है क्या, इलेक्शन पे खड़े हो जाना चाहिए? ऐसी हो जाती है बहाली, ऐसे ही बातें कर रही है। जी बात करता, तुझे नहीं उसकी हालत देख के तरस आता है? मेरा दिल तो बहुत परेशान होता है सच्ची। तो जा, चली जा उसके पास, क्या मुसीबत है यार। तो उसे क्या कर, बस कर दे पा बशीर। शर्फू, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। और मेरे लिए कॉफी। घर में दो दो मुलाजम फिर रहे हैं, उनके होते हुए मैं चाय लेके हूँ। तो तुम कब से अपने आप को दामाद समझने लग गए हो? जब से आपने इनके साथ मेरा निकाह करवाया तब से। माशरे में मेरी भी कुछ इज्जत है, मुझे इज्जत से बुलाया करें। मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात, जिस चीज का इम्कान ना हो उस बारे में सोचते नहीं है। जाओ जाकर चाय बनाओ। जाओ जाकर चाय बनाओ। जहर ना ले आओ, चाय ले आओ। आप क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? बस जी, क्या बताऊं, न सास इज्जत करती है न बीवी मुंह लगाती है, और तो और मुलाजम भी इज्जत नहीं करते मेरी। वो एक्चुअली मैं भी आपसे सॉरी करना चाह रही थी। मुझसे किस चीज की? मुझे पता नहीं था कि आप। छोड़ें जी, अपनी अपनी किस्मत है, मेरा तो नसीब ही खराब है। नहीं शर्फू जी, जी वीनू जी, कभी किसी ने इतने प्यार से मुझे नहीं बुलाया। बदलने वाले नसीब बदल भी सकते हैं। वो कैसे? अभी मैं हूँ इधर, बता दूंगी, सब बता दूंगी। अच्छा। इतना प्यार करती है कि बाकी लोग मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आए। आप कब से सहेली हैं दोनों? बचपन से, बहुत पुराना साथ है हमारा। अच्छा, स्कूल टाइम से? हम काफी पुराने दोस्त हैं। अच्छा, कुछ खाओगी? अच्छा ऐसा करो, पहले पानी ले आओ हमारे लिए। ठीक है जी। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं ले आती हूँ, इट्स ओके। नहीं नहीं, तुम बैठो, इसका यही काम है। जाओ शर्फू, हमारे लिए पानी लेकर आओ। हाँ जी, मेरा तो काम ही यही है, लेके आता हूँ मैं। ठंडा ज्यादा हो या? ठंडा, मुझे पता है, याद है तुम ठंडा पानी पीते हो। अच्छा, तो अब कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। हाँ, कोई करो ना टूर प्लान प्लीज। काफी अरसे से कोई गेट टुगेदर नहीं किया। हाँ। ठीक है, इस दफा ना वीकेंड पे रखते हैं। ओके चलो। इस घर में तो मेरी टके की इज्जत नहीं है, पता नहीं क्या। कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, बैठो, तुमसे ही बात करनी है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इतने हैंडसम हो माशाल्लाह, लेकिन फिर भी साइमा तुमसे ये सबूत करती है। बस ये तो आप फिर उसी से पूछें। यकीन करें,
अगर मेरी शादी आप जैसे स्मार्ट और हैंडसम बंदे से हुई होती तो मैं तो आपके पांव धो धो कर देती। बस कर दे पगली, बस कर दे। रुलाएगी क्या? अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। तुम छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी किस्मत को? क्या मतलब? देखो जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना तो मैं अपना दिल दे बैठी थी और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस दलदल से निकाल। दलदल से? कैसे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ दुबई चलो, वहाँ पे मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छे, यानी यहाँ से झाड़ पोंछ छोड़ के जाके अब मैं दुबई में टेबलें साफ करूंगा। अगर तुम चाहो तो शादी भी कर सकते हो मुझसे। शादी करके दुबई? हम वहाँ पर शादी करेंगे और रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले। नेकी के काम में देर कैसी? तो डन हो गया फिर। पहले मैं 2-3 दिन बाहर जा रही थी। अच्छा। लेकिन अब हम दोनों कल ही दुबई जा रहे हैं। ख्याल रहे किसी को पता ना चले। अच्छा। तैयारी करो बस अपनी। अच्छा, अच्छा। ओए, ओए, आज मैंनू मिल गया वीजा दुबई दा। ओए, आज मैंनू मिल गया वीजा दुबई दा। दुबई से फोन करूंगा बड़ी मैडम का। हेलो गरीबो, और कोई ब्रांडेड चीज चाहिए तो मुझे बताओ। हाँ गरीब गुरबा कच्ची आबादी। मजे ते माइया हुण आणगे, हाय मजे ते माइया हुण आणगे। क्या बात है शर्फू, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद बिस्ती शुरू होनी है तो इसलिए वार्म अप हो रहे हैं। जेदे बिस्ती के जमाने गए हैं। शर्फुद्दीन की किस्मत खुलने वाली है। अच्छा जी, वाह। क्या बात है, तो फिर हमें भी तो बताओ ना। क्या? अच्छा बताओ तो सही, क्या बात है? नहीं, एक दिन इंतजार करो। तड़फाओ ना यार, बताओ जो। कल पता चलेगा, कल पता चलेगा। मजे ते माइया हुण आणगे, हाय मजे ते माइया हुण आणगे, हाय मजे ते माइया हुण आणगे। जल्दी चलो, जल्दी कहीं आ ना जाएं। एक मिनट। चल, क्या हुआ? तुम्हारे दिल में जो जो भड़ास है ना साइमा के बारे में, एक फ्लो में मैं कहती हूँ निकाल दो। मेरे दिल में तो इतना कुछ है, वो ड्रैकोलियां माँ बेटी, बल्कि चुड़ैले हैं, चुड़ैले चुड़ैले। नहीं शर्फू, वो चुड़ैल तो नहीं है। वो चुड़ैल है। कौन है? यम्मी जी। चुड़ैल नहीं, ड्रैकोलियां। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक। बताती क्यों नहीं हो, बताओ ना। मजाक वो हम कर रहे थे जी। जी वैसे वाकई तुम्हारा मियाँ बहुत ठरकी है भाई। जो करती है साइमा तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक करती है। देखा, हैरानी में साइमा। थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, सी यू सून। बाजी आपका ये हैंड कैरी। जी जी, थैंक यू। अच्छा बाजी, खैर से जाएं, खैर से। बाजी। हाँ। और वैसे जानू? नहीं नहीं, जानू तो तुम हो मेरी। मैं नहीं हूँ जानू, अब मैं ना मानू। ओह,